सर बहुत शुक्रिया सर लेने के लिए सर जी मैंने इनकी गुफ्तु -गुफ बड़े गौर से सुन रहा था क्योंकि ये मोरल फ़िलासफी में पहले ही चले गए बग़ैर आपको कन्विंस किए हुए एथिज्म पे इन्हें तो पहले एक हथियार डाल दिया सर नहीं मुझे अली की अच्छी बात लगती है कि लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ बातें की थी और इस दफ़ा भी उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ बातें की है। आ, आ, हैं आई आई एडमायर हिम इन इन हैंड बा मॉरल फिलासफी पर इंशाला हमें तो एट सम पॉइंट हम उससे हम जरूर बात करेंगे सर ये जो अली थे ये दरअसल कहना चाहते थे कि वो जो डिवाइन कमांड थेरी है फ़िलासफी में कि क्या कोई चीज़ गुड़ या बैड होती है बिकॉज गॉड हैज़ कमांडेड तो उसी को ये कहना चाहते थे कि जो मॉरल्टी है उससे वो सब्जेक्टिव बन जाएगी और इन्होंने फिर वो दूसरी तरफ ले गया पहले ही प्री सपोज़ किया कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो सही है और बीच में कॉन्सिक्वेंशलिज्म उसके जो सच उसका सबसेट है सर यूटिलिटेरिज्म फिर एक सेट पे गए कुछ बातें इनकी ठीक भी थी जिनके साथ एज ए थियस्ट में एग्री भी कर सकता हूँ मगर ये ट्रैक से बहुत बार हटे सर <laughs> आई थिंक इतना तो ने भी एक्सेप्ट किया है कि मैं उस पर कन्विस्स नहीं कर सका फॉर वट एवर द रीजन अच्छा रही आप बैक एंड पे हैं कांडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप स्टूडियो लीव कर जाए इसलिए कि और बहुत दोस्त हैं वो शामिल होना चाह रहे हैं बट स्टूडियो इज कॉल मूवमेंट अगेन आई आई अप्रिशिएट य

जिस तरह से पिछली क्योंकि सर मैं खुद भी कन्फ्यूज हूँ मैं आपको सीधे बोलूंगा सर कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि एपिस्टेमिक पोजीशन है आंटोलॉजिकल पोजीशन है इट्स अ प्रॉब्लम राइट और आपने तो ये सवाल पूछा है आपने तो कम से कम ये ईमानदारी है कि आपने ये सवाल पूछा है मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप पाकिस्तान और इंडिया के एथियस से ये सवाल पूछें 99 परसेंट से ज़्यादा लोगों को इस सवाल की ही समझ नहीं आएगी और मैं उन लोगों की बात कर करूँ कि जो चैनल चला रहे हैं अपने के साथ भी था, सर, पे. अच्छा. तो उनको मैंने सर पूछा आपके हवाले से एक बात पहले तो उन्होंने मुझे आपका नाम ही नहीं लेने दिया इतनी नाराजगी है उनको आपसे <laughs> <laughs> बोरे उनका नाम मत लो मुझसे खुद सवाल करो तो फिर मैंने सर बोला उनको कि वो जो मैश पे आपने बात की थी और क्या सर साहब ने आपको इस तरह से फिर डार्विनिज्म के कहा था कि जो मैश है है वो थोड़ा बहुत उसके जाता है। तो उसमें सर न्योडार ये आ, सफाई दी है अगर सर आप इजाजत दें सर मैं वो दो तीन मिनट सर चला दूँ सर शेयर कर दूं सर बड़ा लंबा हो सर जाएगा आप देखें जब तक वो लोग अपने को तहजीब के लेवल पे अपग्रेड नहीं करेंगे मैं आया है

उससे मेरी ये मुराद है कि जो आ, दो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया है ये दरअसल पहले यूनिसलर ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे और जो सिम्बासिस है डार्विन को तो उसकी पता ही नहीं थी सिम्बासिस की और उसके बाद उसने हाइब्रिडाइजेशन से ये मुराद ली उसे बोला हाइब्रिडाइजेशन से मेरी ये मुराद है कि जो इंसान का एवोलूशन हुआ है उसके अंदर नियंडर था, जो थल है जो सब स्पीशी है होमो की ये कहते सिस्टर स्पीशी है उसके जीन मिक्स हुए हैं मेरी यही मुराद थी

होमो एलैक्टर की बात करें होमोसेफियन की बात करें फिर तो ये आप क्यों कहते हैं कि नहीं मैंने तो सिर्फ ये उनकी जो जेनेटिक कंटेंट है उसकी सिमिलैरिटी करके मैंने साबित कर देना कि इवोल्यूशन हुई है ये तो कोई भी कह सकता है इसे तो खुदा साबित हो जाता है कि खुदा ने किया है मैंने ये भी कहा कि इसे तो कोई एलियंस का दावा कर सकता है कि एलियंस ने किया है वो भी आपको यही डेटा दे सकता है इसमें इवोल्यूशन कहाँ से साबित होती है दूसरी बात यह है कि ये जो मैश की जो बात है अगर हमने मैश की ही बात करनी थी तो हमें डिबेट वहां से स्टार्ट करनी चाहिए थी हमें ये बाकी बातें जो थी ना क्रोमोसोम टू की जो मुबीना फ्यूजन हुई है और जो हमारे पास पॉसल्स हैं जो कि उसने अप्रीतीस मिनटों में जो उसने एविडेंस दिया था और बाद में जब वो मैश उस पर बात नहीं बनी तो मैश पे छलांग लगा दी जब मैश पे स्ट्रगल होना शुरू हुई तो बता दिए नाइनटी एट परसेंट साइंटिस्ट जो होते हैं वो व्यूशन पर साबित करें आप पूछे उससे जाके कि ये परसेंट में से कितने हैं जो आप जीनेटिक्स को भी ठीक समझते हैं

जब बोल नहीं नहीं देते पुण इंसान लोग तो उसके बाद मैंने उनसे सर कहा था जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें तो एब्रप्ट स्पीशी बन जाती है जिस तरह मेज प्लांट है मेज के वीट है शायद इस इस तरह टाइम तरह मेरे दिमाग से निकल गया है वो तो एब्रप्ट एक नई स्पीशी बन जाती है हाइब्रिडाइजेशन से तो उसमें सर मुझे लगता है उन्हें सर ये वो ये कहना चाहते थे कि लमार का मैश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैंने जो मैश है मैश से मेरी मुराद ये है यानी कि ई से जो एपिजेनेटिक्स है उसे मैं ये मुराद देता हूँ कि म्यूटेजन है जो म्यूटेशन की रेट को तेज करते हैं नहीं यही सर कहा जहां तक मुझे सर लगा <laughs> चले बात ही खत्म हो गई <laughs> बात ही खत्म हो जाती है फिर उस बंदा आगे क्या कह सकता है फिर और एम जेड भी कंफर्म कर रहे हैं कि यस इज़ अ जीन एट दी फ्यूजन पॉइंट दर आर लाइक टू तो से लेजेड फ्यूजन पॉइंट और उस डीन का जो है वो

मैं मैं चाहता हूं कि ज़्यादा-ज़्यादा ज्यादा वक्त मैं अपने या जो सर एक नहीं पॉइंट नहीं। सर मैं कहना चाहता हूँ जो जीव जीव सर मेरे जहन में आया है सर परसों से सर मैं सोच रहा हूँ अगर सर दो मिनट के लिए सर एवोल्यूशन को माना जाए इन्हीं के एवोल्यूशन को माना जाए को नहीं होता है अब पे बात नहीं होगी कि है उसका मगर सर ये सोचने वाली बात है ना सर कि एक ऑर्गेनिज्म आ रहा है इनके हिसाब से वो सेल है उसका कोई सबूत नहीं है कि वो एक सेल थी या क्या थी अगर सर कोई ऑर्गेनिज्म अब आया सर लिविंग ऑर्गेनिज्म आया सर दुनिया में एक बार यानि कि ब्लाइंड चांसेस से ही आ गया मगर सर उसके अंदर ऐसी इस, ऐसी इस्तित कैसे है कि वो चूहा भी बन रहा है वो बिल्ली भी बन रही है वो मैन भी बन रहा है ये यानी कि मैं इसमें वो कहता है ना आर्ग्यूमेंट फ्रॉम पोटेंशियलिटी यानी उसके अंदर पोटेंशियल है ये सब चीज़ें बनने का तो ये सर किस तरह से सर हो सकता है क्योंकि मशीन अगर हम करते है ना इंप्रूव मशीन को कितना हम करेंगे कभी कहीं ना कहीं पर तो उसकी लिमिट होगी मगर इमोशन में तो सर लिमिट ही नहीं है यही तो प्रॉब्लम है ना सिर्फ उसकी लिमिट नहीं है बल्कि उसमें एक और बड़े मजे की बात है कि जो हमारा इको है इवोल्यूशन सारी की सारी उसको बेनिफिट कर रही है वाई?

<laughs> नहीं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट आज नहीं की मैंने लास्ट टाइम उनको बड़ी जहमत दी थी मुझे बड़ी शिद्दत से उनकी ज़रूरत महसूस हो हो रही है क्योंकि मैं सोलो मैनेज करना बड़ा मुश्किल तो आई होस्ट बहर बहुत आपका। शुक्रिया आपका थैंक यू शुक्रिया सर अस्सलाम राइट थैंक यू सो वेरी मच द स्ट्रीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे एक